उधर कांग्रेस के बागी विधायक आर के राय और सियाराम कौशिक ने पीसीसी चीफ भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। बागी विधायकों ने बघेल पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब बघेल एंड सन्स कंपनी बन गई है। यह कंपनी भिलाई 3 स्थित उनके घर से चल रही है। साथ ही आपको बता दें कि राय और कौशिक ने यह टिप्पणी उस वक्त की है जब प्रदेश कांग्रेस संगठन ने व्हिप जारी होने के बावजूद राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं डालने की वजह से कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि आर के राय और सियाराम कौशिक जो कि समर्थक विधायक हैं और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से संगठन ने पहले से ही उन्हें निलंबित कर किया है। आर के राय और सियाराम कौशिक से अगर बात की जाए तो उन्होंने पत्रकार वार्ता में ये आरोप लगाए। बघेल एंड सन्स कंपनी इसलिए बोल रहा हूं मैं कि पूरा रिमोट अभी नंद कुमार बघेल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जाकर उन्हें 40 सीट की मांग की और माननीय भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार अपने समाज में दौरा कर रहे हैं, मीटिंग बोल रहे हैं। तो नंद कुमार बघेल है क्या चीज, कौन से पद में, ये हमको बता दें पहले। क्या सोनिया गांधी ने उनको नियुक्ति दी है, क्या राहुल गांधी को नियुक्ति दी है कोऑर्डिनेशन आपका समाज में, ये पहले भूपेश बघेल बताए, अपने पिता का हैसियत कहाँ ये बताएं। लगातार भूपेश बघेल का विरोध करते रहते हैं तो आज कांग्रेस कमेटी मेंबर के हैसियत से कैसे बात कर रहे हैं वो।